ओम अरहम नमः। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान युग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में अरहम ध्यान युग लेकर आया है अरहम अभ्युदय, युवा बच्चों के लिए चारित्र का च्यवनप्राश। जैन मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2021-22 या 22-23 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हों, जैसे कैट, यूपीएससी, क्लैट, नीट, सीए, सीएस, जेई, निफ्ट, एनडीए या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने कैरियर की उड़ान भरने से पहले अरहम अभ्युदय के साथ खुद को बनाएं अंदर से मजबूत। 2 दिवसीय वर्कशॉप में सीखें इन सभी छात्रों का राष्ट्रीय मंच से सम्मान भी किया जाएगा। दिनांक 14-15 अक्टूबर 2023, रिपोर्टिंग 13 अक्टूबर, धर्मनगरी सतना मध्य प्रदेश में। आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/scholar। आयोजक महावीर दिगंबर जैन पारमार्थिक संस्था, दिगंबर जैन समाज, सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना मध्य प्रदेश। इसलिए समझने की कोशिश करो पुण्यवान कौन है। आप यहां एक घंटा बैठ करके इत्मीनान से निश्चिंत होकर के धर्म उपदेश सुन रहे हो। क्या कोई प्रधानमंत्री एक घंटा बैठ करके किसी धर्म का उपदेश सुन सकता है? पूछो, वो बैठ नहीं सकता शांति से। वो कभी भी किसी भी धर्म सभा में पहुंचेगा तो तब पहुंचेगा जब वो धर्म सभा या तो शुरू होने वाली होगी या अंत होने वाली होगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं शुरू में पहुंच गया तो कहीं अंत तक ना बैठना पड़ जाए, तो पहले से ही अपना प्रोग्राम आगे का लेकर के आता है। मुझे 10 मिनट का टाइम है, आगे मेरी वहां पर मीटिंग है, मुझे वहां पर जाना है, पहले से मेरा प्रोटोकॉल फिक्स है, मेरा आगे जाना है, क्योंकि उन्हें सुनना नहीं है, उन्हें बैठना नहीं है। उन्हें अपने पद का इतना गुरूर रहता है कि वह कभी किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति के चरणों में बैठकर के कभी भी शांति लेना ही नहीं चाहते। और जब भी कुछ करना होता है तो बस वह सिर्फ एक दिखावा होता है। हम उनके पास भी गए थे, पास जाने से क्या होता। जब तक आप पास में बैठो नहीं, चार बातें किसी की सुनो नहीं, तो पास में जाने से क्या होगा। सानिध्य वह कहलाता है जब हमें निश्चिंतता का कम से कम एक घंटा मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, निश्चिंतता का मिल जाए। और ऐसी निश्चिंतता अगर आपको मिल रही है, प्रतिदिन मिल रही है, तो मैं समझता हूं उनसे ज्यादा पुण्यवान लोग आप हो। आपकी समझ में भले ही वो ज्यादा पुण्यवान लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे वो राजा नहीं लगते हैं, मुझे तो ये राजा लगते हैं जो कम से कम निश्चिंतता से बैठे हुए अपना जीवन जी रहे हैं और धर्म का भाव समझ रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव किस तरह से विडंबनाओं में पड़ा पड़ा अपना संसार गुजारता है और इस जीव के लिए कभी शरण नहीं मिलती। कहां कोई शरण नहीं है संसार में, कहीं भी भटकते रहो। देखो हमारा जीवन कहां से शुरू होता है, गाथा नंबर 17 में कहा जा रहा है, हम कभी पीछे भी देखा करें। घोर गर्भवास में यह जीव रहता है। जो गर्भवास कैसा होता है, कलिल पदार्थों से युक्त होता है, मलिन पदार्थों से युक्त होता है, जहां पर असुचि पदार्थ जहां पर रहते हैं, ऐसे अपवित्र द्रव्य के साथ में विभत्स स्थान पर, घृणित स्थान पर यह जीव वास करके जन्म लेता है। और ऐसा वास अनंत खुत्तो
कितनी बार? अनंत बार इस जीव का हो चुका होता है। हम अनंत बार किसी ना किसी गर्भ में नौ नौ महीने तक ऐसे घृणित स्थान पर पड़े रहे, दुखी रहे, आंखें मूंदे हुए उस दुर्गंधित असुचि स्थान में पड़े रहे, और हमें आज जब आंखें खुल गई हैं तो हमें बाइडेन, पुतिन, मोदी तो दिखाई देते हैं, अपना गर्भवास नहीं दिखाई देता है कि हम अपना पास्ट देखें कि हम कहां से आए थे। उनको देखने से हमें सम्यक ज्ञान होगा कि अपना ये गर्भवास देखने से हमको सम्यक ज्ञान होगा? हमारी आंखें कहां खुलेंगी? हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी किसको देखने से मिलेगी? हम कहां से आए हैं इसको जानने से जानकारी मिलेगी। आज हम थोड़ी देर के लिए बड़े हो गए, आज हमारी आंखें खुल गई, हमारी बुद्धि विकास को प्राप्त हो गई, तो क्या हम ये समझ लें कि हमारी बुद्धि वैसी ही बनी रहेगी, हमारी इंद्रियां इसी तरह से काम करती रहेंगी, हमारा जीवन इसी तरह से चलता रहेगा, अब हमें आगे कुछ भी नहीं और ऐसा मिलेगा जो पहले हो चुका है? पहले जिस तरह से हम 9 महीने किसी गर्भ में रह के आए हैं, आगे हमें फिर किसी गर्भ में रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये भी एक सोचने की चीज हो सकती है, ये भी एक फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कि फ्यूचर प्लान का मतलब इतना ही होता है कि जब हम 28 साल के हो जाएंगे तो हमारा क्या जॉब होगा, जब हम 35 साल के हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बच्चे होंगे, कितने फ्लैट होंगे, और जब हम 50 साल के हो जाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा, कितनी कारें होंगी, कितनी हमारे पास लग्जरी होगी, इसी का नाम फ्यूचर प्लान है क्या? ये फ्यूचर नहीं दिखता है अपने को कि हमारी डेथ होने के बाद में भी हमारा अगला जन्म होगा तो वह फ्यूचर क्या होगा और वह फ्यूचर कैसा होगा? तो कहीं वैसा ही तो नहीं होगा जैसे अभी होकर के आया है, उसको तो हम भूल गए। अनंत बार ऐसे गर्भों में यह जीव रहा है, किसके कारण से? जीवो कर्मानुभावेण, कर्म के अनुभव माने कर्म की शक्ति के कारण से। इस जीव को गर्भ में अनंत बार पहुंचाने वाला कौन है? तो इस जीव के साथ बंधे हुए हुए जो कर्म है, जो घनीभूत होकर के बंधे हुए हैं, उन कर्मों के कारण से यह जीव अनंत बार इस तरह से गर्भों के दुख प्राप्त करता है, अनंत बार जन्म लेता है, और हर जन्म लेने के बाद में फिर उसे इसी तरह से बाइडेन और पुतिन और सुनक दिखाई देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी यह सनक नहीं चढ़ती है कि हम कहां से आए थे। वो सुनक की सनक तो चढ़ जाती है उसके ऊपर, ये सुनक बन गए कहां के? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के, भारत मूल का निवासी है। अब सुनक की सनक तो सबको दिख रही है, उसकी दौड़ में दौड़ना है कि हमें यह भी समझना है कि ये हम कहां से आए थे और हम कहां हमें जाना है, और अगर जाना है तो कहीं हम पुनः फिर इसी गर्भवास में ना चले जाएं, तो वहां हमें फिर कौन जानेगा ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे, वहां हमारी कब पहचान बनेगी? ये सिर्फ कुछ समय का एक खेल है, कुछ समय के लिए बस ये सब बातें हैं, आंखें बंद होने के बाद में फिर कुछ नहीं रहता है। किसी के भी जीवन के आनंद कुछ भी क्षण के लिए अगर होते हैं तो सिर्फ वह उसकी मन की उसी धारणा के कारण से होते हैं, आंख मूंदने के बाद में फिर उसका जीवन दूसरा ही बन जाता है, और जो उसने यहां कर्म किए हैं उसी के अनुसार आगे जीवन बनता है। अगर यहां पर हम केवल विडंबनाओं में जीते हुए रहे हैं, हमने जीवन में अपने केवल शत्रु ही तैयार किए हैं, और हमें अपने बड़े बड़े शत्रु दिखाई दे रहे हैं, और उन शत्रुओं से हम अपनी दुश्मनी बांधे हुए हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, कोई भी हो, तो वह शत्रुता से बांधे हुए कर्म हमारे साथ जाएंगे, या हम जिन राष्ट्रपतियों के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कर्म हमारे साथ जाएंगे? सुन रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया राजा श्रेणी ने। हम उन पदों पर पहुंच करके अपने सामने दुश्मनों को देख रहे हैं, अपने सामने शत्रु राष्ट्रों को देख रहे हैं, अपने सामने होने वाले और दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनके प्रति भी हम शत्रुता का व्यवहार बनाए हुए हैं, तो ये शत्रुता के बंधन, ये द्वेष के बंधन,
ये हमको कहां ले जाएंगे। हम अच्छा किसके लिए कर रहे हैं? हम सिर्फ अपनी सत्ता संभालने के लिए अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम द्वेष का अनुबंध करते चले जा रहे हैं, हमारी ये कसाएं कहां ले जाएंगी? अगले जन्म में मनुष्य बनना भी दुर्लभ हो जाएगा। पुण्य किसे कहते हैं? जो मनुष्य बनने के बाद में मनुष्यता को भी दुर्लभ बना दे, कि मनुष्य बनने के बाद में कम से कम इतनी लाइन खुल जाए कि भाई ये मनुष्य तो नियम से स्वर्ग जाएगा, ये तो नियम से अच्छी सदगति को प्राप्त होगा, इसकी भी गारंटी जिसके लिए नहीं है उसको हम कैसे पुण्यवान कह सकते हैं? तो पुण्य का अर्थ समझ में आता है? पुण्यवान जीव सबके हित में जीते हैं, किसी से अपनी दुश्मनी नहीं बांधते हैं, और उन्हें अपना फ्यूचर केवल इतना ही नहीं दिखाई देता है कि हम जिस कार्यकाल में हमें उस कार्यकाल को पूरा करना है, उन्हें अपना फ्यूचर दिखाई देता है आफ्टर डेथ, व्हाट विल बी हैपन विद मी, मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या घटित होगा। ये जिसको ज्ञान है मैं समझता हूं वही सबसे बड़ा पुण्यवान जीव है, बाकी तो सब दुनिया की बातें हैं। ये ज्ञान रखो और इस ज्ञान के साथ में बात करो। ये ज्ञान अगर किसी को नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है तो अपनी आत्मा को चेताओ, मुझे किसी भी पदों पर रहने के बाद मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं बांधनी, क्योंकि जब मैं गर्भ में पड़ा था तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, अब मेरी आज आंखें खुल गई हैं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं समाज में आ गया हूं, तो मुझे अब सब दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। जो पद पे मुझे पहले बैठने में रोक रहे थे वो भी दुश्मन है, जिन्होंने मुझे पद से हटा दिया वो भी मेरे दुश्मन हो गए, और जो मेरे आगे पद के पीछे पड़े हैं वो भी मेरे दुश्मन हो गए, तो तुम्हारे तो आगे पीछे सब दुश्मन ही दुश्मन है। नहीं समझे? पद पर बैठने से पहले भी दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि तब भी वोटिंग हुई थी, तब भी तुमको दुश्मन दिख रहे थे, अब पद पर बैठने के बाद में तुम्हें और दुश्मनी दिखाई दे रही है, इन्होंने मेरे साथ में दुश्मनी की थी, अब मैं इनसे बदला लूंगा, तो आईडी के छापे पड़वाओ, बदला लो तरह तरह से, केस लगा लगा करके, और फिर आगे फिर दुश्मनी की आधे और दुश्मनी की बातें आगे करो, उसको और बांध लो। अगर तुम्हें इन पदों पर आने के बाद में सब और दुश्मनी दुश्मन दिखाई दे रहे हैं और तुम्हें दुश्मनों से ही डर लग रहा है, तो सोचने की बात है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कहां से आए थे, कहां जाना है। ये 2-5-10 साल के खेलों से जिंदगी नहीं बनती है। समझने की बात यह है कि हम कुछ ऐसा करें कि इन गर्भ के वास में हमें बार बार न जाना पड़े। हर आत्मा को बार बार, अनंत बार, कितनी बार पढ़ रहे हो ना, ये प्राकृत के एक शब्द ध्यान में रख लिया करो, अनंत खुद तो अनंत बार हम ये गर्भवास को प्राप्त कर चुके हैं, जो बीभत्स है, दुर्गंधित है, असुचि है, मलिन है, अनेक तरह के कलिल पदार्थों से युक्त रहा है, और ऐसे गर्भवासों में हम एक बार, दो बार, अनंत बार जाने के बाद क्या करते रहते हैं, तो हमारी विडंबनाएं रुकती नहीं है। आगे गाथा नंबर और आगे कहा जा रहा है 18 में कि ऐसी 84 लाख योनियों में हम घूम चुके हैं। ये गर्भवास एक तरह के नहीं है, नरक गति के, त्रियंश गति के, मनुष्य गति के, देव गति के, चारों गतियों के गर्भवास, चारों गतियों में उत्पत्ति, जहां पर गर्भ नहीं होता है ऐसे भी जन्म होते हैं, उन सब उत्पत्ति स्थानों को मिलाने पर 84 लाख योनि स्थान बनते हैं, उत्पत्ति स्थान बनते हैं, और यह जीव उन्हीं 84 लाख स्थानों में बार बार, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें, कभी उसमें, इन्हीं में जन्म अनंत बार ले चुका है, और इस तरह से इस जीव के लिए अनंत बार इन्हीं स्थानों पर उत्पन्न होना होता रहा है। एक एक कम्मीय जीवो, माने एक एक योनि में यह जीव अनंत खुद तो समुपन्नो, अनंत अनंत बार उत्पन्न हो चुका है।
दुनिया का कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा, ऐसा जीव की उत्पत्ति का योनि स्थान नहीं बचा जहां ये जीव उत्पन्न ना हो, ना आपका ना हमारा और ना जो चले गए उनका। क्या समझ आ रहा है? ये ज्ञान सबके लिए है। जो भी इस संसार से मुक्त हुए हैं वे भी पहले अनंत बार इसी तरह से अनंत योनियों में भटक चुके हैं, और ये योनियां वो नहीं होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। चारों ओर अगर हम हरी वनस्पति देखते हैं तो वो भी सब वनस्पति की भी योनियां हैं, वो भी जीव हैं। वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं वो। चारों तरफ हमें जल ही जल दिखाई देता है, उस जल में भी जल कायिक जीव है, वो जल कायिक जीव के भी योनि स्थान होते हैं, उसमें भी यह जीव जीव के रूप में उत्पन्न होता है। हर जगह पर यह जीव उत्पन्न हो चुका है, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, निगोदों में, स्थावरों के हर पर्यायों में, नरकों में, और इन स्थानों में उत्पन्न होते होते यह जीव दुख भोगते भोगते कभी मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य बन करके कभी कोई सुनक भी बन जाता है, कोई वायडन भी बन जाता है, तो कोई राजा श्रेणिक भी बन जाता है, और कोई महावीर भगवान जैसा तीर्थंकर भी बन जाता है, कोई राम जैसा भगवान भी बन जाता है। मनुष्य क्या कर रहा है हमें इस बात पर डिपेंड करना चाहिए कि उसके वर्तमान में होने वाले भाव कैसे हैं, वो कौन सी दिशा में अपने भावों को ले जा रहा है, पुरुषार्थ कौन सी दिशा में कर रहा है। इसलिए अगर किसी के लिए राज्य सत्ता मिल गई तो हम ये ना समझें कि वो राज्य सत्ता उसको पुण्य से मिल गई, बलि राजा और उसके साथ में वो चार और मंत्री थे, वो चारों मंत्रियों ने मिलकर के राज्य प्रारंभ कर दिया। 7 दिन के राज्य में उन्होंने 700 मुनियों को जलाने की योजना बना ली, उनको मारने की योजना बना ली। अब बताओ ये राजा बनकर के क्या कमा रहा है? अगर हम कभी भी किसी भी धर्म को मिटाने की योजना बनाते हैं, धर्म तीर्थों को मिटाने की योजना बनाते हैं, धर्म गुरुओं पर आपत्तियां डालने की योजना बनाते हैं, तो आप समझ लेना कि ये राजा होकर के भी क्या कमाएंगे। ये आपके ज्ञान में रहना चाहिए। इसलिए राजा होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस राजत्व पद पर आसीन होने के बाद में शैतान नहीं बनना यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंसान राजा बनने के बावजूद भी इंसान बना रहे, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। शैतानियत ना आए उसके अंदर। 4 दिन का राज्य मिला तो वो अपने अंदर इतनी शैतानियत ना लाए कि वो अब सब दुनिया को मिटा डाले, सब कुछ बदल डाले। लेकिन वो अगर राष्ट्र हित में हो तो अच्छी बात है, और जिससे कोई राष्ट्र का हित नहीं होना है, केवल अपने नाम के लिए करना है, तो ये नाम का अहंकार भी आदमी के लिए बहुत दुर्गति का कारण बन जाता है। और आप देखो बड़े पदों पर आसीन लोग सिर्फ नाम के अहंकार में जीते हैं। ये नेम और फेम की एक जो भीतर से ललक पड़ जाती है, वह ललक उनकी बढ़ती ही चली जाती है। बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होने के बाद शांति का जीवन जीना, निष्प्रय होकर के जीना, निरीह होकर के जीना, सब कुछ अपने पास में होते हुए भी अपना उससे कर्तृत्व भाव नहीं जोड़ना, ये अगर सीखना है तो आचार्य गुरुदेव की शरण में जाओ, वहां पर आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। आचार्य श्री का जीवन देखो, कितने विशाल संघ के स्वामी होते हुए भी अकेले शांति से रह रहे हैं। बस कोई संदेश पहुंच जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, और कोई अगर कह देता है कि हाँ महाराज आपकी बात हमने वहां पहुंचा दी थी और आचार्य श्री ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो वो तो खिलता है, सो खिलता ही है, हम भी खिल जाते हैं कि गुरुजी ने हमारा नाम सुनकर के आशीर्वाद दे दिया, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? इतने निरीहता का जीवन जीने वाले जो ये संत पुरुष हैं, जिनके लिए सब कुछ उनके ज्ञान में आता है, ये भारत, ये इंडिया की बात जो आचार्य महाराज करते रहे हैं, आज देखो अगर उस भारत और इंडिया की भी बात कहीं हो रही है तो सिर्फ राजनीति के तहत हो रही है, हित के कारण से नहीं हो रही है।
कि देश का हित किसमें है, हित की बात करने वाला कौन। देश हित में भारत का नाम भारत होना चाहिए यह बात करने वाला कौन, ये बात करने वाला कोई नहीं है। वो तो इंडिया बन गई दूसरी, इसलिए उस इंडिया में मुझे नहीं रहना, इसलिए मुझे अपना अलग भारत बनाना है। ये देश हित की बातें नहीं है। देश हित के भाव जो होते हैं वो अलग होते हैं, और वो भाव हमें आचार्य गुरुदेव ने दिए, वो देश हित में दिए। वो जब भी लागू होंगे, हों या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आत्मा देश हित के भाव कर लेता है, वो समस्त समूची मानव जाति के प्रति हित का भाव करके अपने अंदर पुण्य भाव अर्जित कर लेता है। और इसी प्रकार के हित करने वाले लोगों को, इन महापुरुषों को हमें उन बाइडन, सुनक, पुतिन और मोदी से भी ज्यादा पुण्यवान जीव समझना चाहिए। हमें इनके पुण्य की बात करना चाहिए। बताओ कौन पुण्यवान है, समझ आ रहा है? गुरु महाराज पुण्यवान हैं या G20 में शामिल होने वाले लोग पुण्यवान हैं? अपने अंदर अगर ये ज्ञान नहीं आएगा तो हमारे ऊपर वो अंधकार के पर्दे चढ़ते ही चले जाएंगे। हम देखें कौन सा पुरुषार्थ कौन जीव कर रहा है। इन गर्भवासों में न जाना पड़े, ऐसे जन्म मरण हमें न करना पड़े, ऐसे जीव जो पुरुषार्थ कर रहा है वह जीव पुण्यवान जीव। शास्त्रों में कहा गया है पदों पर आसीन होना पुण्यवान नहीं है, अच्छे अपने धर्म के पुरुषार्थ भावों को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करने वाला जीव इस संसार में पुण्यवान जीव होता है। ऐसा अपने मन में धारण कर लोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है। पुण्य के रास्ते पर चलना है कि पुण्य की खपत करके धरातल में घुसने वाले रास्ते पर चलना है। इसलिए समझने की चीज है, राजा राज्य करता है लेकिन राजा के राज्य में हर तरह से सुविक्ष, हर तरह के जीवों के लिए निश्चिंतता, हर तरह के धर्म करने वाले जीवों के लिए निराकुलता का वातावरण होना चाहिए। धर्म तीर्थों पर आपत्तियां आ रही हैं, धर्म गुरुओं पर आपत्तियां आ रही हैं। ये एक अच्छे राज्य में हम कैसे कह सकते हैं कि राजा के सुशासन में हम जी रहे हैं? जो तीर्थ पहले से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जो तीर्थ पहले से तीर्थंकरों के पुण्य भूमि के रूप में, निर्वाण भूमि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन तीर्थों पर भी आपत्तियां आ रही हैं और उन तीर्थों के नाम बदले जा रहे हैं, उन तीर्थों के स्थान बदले जा रहे हैं। हम कैसे कहें कि हम एक अच्छे राजा के शासन में जी रहे हैं? सोचने की बात है। कोई कह रहा है कि गिरनार का नाम तो बदल ही गया, वहां पर जो चरण चिन्ह थे वो भी शायद बदल दिए गए हैं, बदलने वाले हैं। जो भी हो, आपकी आंखें हो तो देख लेना, गूगल में झांक करके देख लेना, कुछ मिल जाए तो समझ लेना क्या हो रहा है। जो तीर्थ हमारे तीर्थंकरों के नाम पर प्रसिद्ध हैं, हर ग्रंथों में जिनका नाम लिखा हुआ है, और उन तीर्थंकरों के उन सब निर्वाण भूमियों को भी अगर कोई दूसरा अपने नाम पर ले रहा है तो वो अपने शासन में दुशासन तो बन सकता है, हम उसे सुशासन नहीं कह सकते। आपको लगे तो आप वोट देना, मुझे कोई वोट नहीं देना किसी को। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो धर्म की होगी, जो न्याय की होगी। मुझे किसी से डर नहीं है। आपको डर लगता है तो आप ताली मत बजाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी शासन के अंदर धर्म तीर्थों पर आपत्तियां आ रही हैं और वह शासन के कारण से अगर धर्म तीर्थ नाम बदल करके दूसरे तीर्थों के रूप में हो रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वो कितने ही बड़े अच्छे राजा हों, हम उन्हें कभी अच्छा राजा नहीं कह सकते। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे व्यक्ति के गुणों से मतलब होता है। और व्यक्ति अगर गुणवान होगा, उसके व्यक्तित्व में अगर गुणों की भरमार होगी तो वह कभी किसी भी धर्म के प्रति अपना द्वेष का भाव नहीं रखेगा। ये चीजें कब सीखोगे?
केवल वोट देना ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है, हमें यह समझना पड़ता है कि हम वोट देने के बाद में उस वोट से सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। और ऐसे असुरक्षा के काम आज क्यों हो रहे हैं? अच्छी अच्छी सरकारें, अच्छे अच्छे लोग आने के बावजूद भी वो काम क्यों हो रहे हैं? उसी एमपी में, उसी शिवराज के राज्य में ऐसे ऐसे काम इंदौर आदि की जगह पर क्यों हो रहे हैं? गोमट टिगरी में ऐसे ऐसे काम क्यों हो रहे हैं जो शिवराज हमेशा आचार्य महाराज के चरणों में बैठा रहता है? जबरदस्ती किसी भी चीज को करना, जबरदस्ती किसी के धर्म आयतनों को झड़पना, अपने अधिकार में लेना या उन्हें अपने अधिकार में लेने के लिए रणनीति बनाना, ये अच्छी मानसिकता के परिचय नहीं होते हैं। हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठानी चाहिए और हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर अपना अधिकार मांगने का पूरा हक होना चाहिए, और इस हक के साथ जो जीने वाला जीव होगा वो पुण्यात्मा जीव कहलाए। गलत का समर्थन हमें कभी भी डर करके नहीं करना चाहिए। ये चीज जब आपके समझ में आएगी तब समझोगे कि पुण्य क्या होता है। पुण्य आपका भी कम नहीं है, आप अपने पुण्य का उपयोग करना सीखो, आप अपने पुण्य की और आगे बढ़ोतरी कैसे हो इस तरह के कार्य करना सीखो। और जब हम इस तरह के पुण्य कार्यों में अपने आप को लगाते हैं तब हमारे लिए ये जन्म मरण के चक्कर मिटते हैं। द्वेष नहीं करना किसी से, जन्म जन्म का किसी से बंध बांधना नहीं है लड़ करके, लेकिन समत्व भाव के साथ भी, धर्म भाव के साथ भी न्यायपूर्वक हमारे साथ में व्यवहार हो, इसके लिए विरोध में खड़ा होना भी धार्मिकता कहलाता है। यह भी धार्मिकता है। मुंह बंद करके बैठ जाना, अन्याय को सहना, इसका नाम धार्मिकता नहीं कहा गया, यह तो हमारे लिए है। समझ आ रहा है? और आज उल्टा हो रहा है, हम मुखर हो रहे हैं, तुम बोल रहे हो, तुम मौन हो रहे हो। समझ आ रहा है? बोलना किसको चाहिए था, आवाज किसको उठानी चाहिए थी, और तुम्हारे कान में कभी जू नहीं रखती, तुम्हें क्या मतलब है? हमारा अपना घर परिवार अच्छा चल रहा है, तीर्थ लुट रहे हैं लुटने दो, धर्म लुट रहा है लुटने दो, न्यूज आ गई आगे फॉरवर्ड कर दी, बस अपने मोबाइल का इतना ही काम है, अपनी उंगलियों का बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं। उंगली उठाना किसी पे काम नहीं है, बस उंगली से फॉरवर्ड करने का काम उंगलियों का रहेगा और कोई काम नहीं रह गया। तो जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे, जिसके जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य अगर उसे याद रहेंगे तो वो पुण्यवान जीव है, और जो कर्तव्य से विमुख हो गया उसे हम पुण्यवान नहीं कह सकते। तो आपको अपने कर्तव्यों की याद आनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां से आए थे और हमें कहां जाना है। कहां से आया, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। तो वो ठिकाना ढूंढने की जगह आप यहां बैठे हो, ठिकाना ढूंढो, हमें कहां से आए थे। तो ये बताया जा रहा है, गर्भवास से आए थे, गर्भवास से आए थे। कभी याद आता है कभी आपको? किसी को याद आता है? क्यों, यहां पर आज जो दूसरे अतिथि लोग आए हैं, कौन सी ग्रीन सिटी से आए हैं, क्यों ये कभी याद आता है कि हम कहां से आए थे? कभी स्मरण नहीं किया ना, आज ही स्मरण तो हो रहा होगा थोड़ा सा। तो आज ये स्मरण हो रहा है, यही हमारे लिए पुण्य का सबसे बड़ा क्षण है, जब हम इस तरह के ज्ञान के साथ में इस क्षण में जी पा रहे हैं, ये हमारा पुण्य का क्षण। ये स्मरण अगर बना रहेगा तो व्यक्ति कभी भी किसी भी पदों पर बैठ करके गलत कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे क्या दिख रहा है, अरे भाई कहां जाना है, क्या करना है, किसके लिए इतनी दुश्मनी, किसके लिए इतनी शत्रुता को बांध करके हम कहां जाएंगे, कितनी जन्म हमें और जीने हैं और कितने जन्म हम जी करके आए हैं, और इस जन्म में जब तक हम 20, 25, 30 साल के थे कोई दुश्मनी नहीं थी, आज जब हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए हैं, तो हमारे आगे भी दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, ये कहां से पैदा हो गए? वो दुश्मन पैदा हो गए या हमने दुश्मनी पैदा कर ली? ये सोचना, ये विचार करना ही
सबसे बड़ा विचार है। और इस तरह के विचारों के साथ में जो अपने परिणामों को निर्मल बनाता है, कसायों को मंद करता है, वही जीव इस तरह से गर्भवासों के दुखों से अपने आप को बचा पाता है। इसलिए ये दुखों की याद दिलाई जा रही है, आगे चल करके आपको फिर से ऐसे दुखों की प्राप्ति न हो जाए, और थोड़े से सुख में इतना नहीं भूल जाओ कि आगे चल करके तुम ऐसे कर्म बंद बांध लो और आगे चल करके तुम्हारे लिए दुखी दुख की परंपरा खड़ी हो जाए। ये विचार करुणा करके आचार्य इसलिए कहते हैं, अपना अतीत देखोगे, गर्भवास के दुख देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस वर्तमान की इस पर्याय में उससे बढ़कर के दुख अभी हमें नहीं मिल रहे हैं। जितने दुख हम जब समर्थ नहीं थे तब भोग करके आए, गर्भवास में कौन से समर्थ थे हम, वहां कुछ नहीं कर सकते थे, तब हमने इतने दुख भोग लिए, और आज हम समर्थ हैं तो हम थोड़ा सा भी दुख नहीं भोग पा रहे। किसी ने कुछ कह दिया, बंदूक लेकर के खड़े हो गए, तलवार लेकर के खड़े हो गए, और गर्भ में जब पड़े थे तब कोई लाख गाली दे देता और वहीं पर हम पड़े पड़े मर भी जाते तो भी हमें कुछ नहीं होता। आज अगर किसी ने हमको कुछ एक शब्द भी बोल दिया, एक आंख उठा करके भी देख लिया, तो हम उसको मारने मरने को तैयार हो जाते। ये कौन से हमारे अंदर ज्ञान आ गया, इस अज्ञान से बचाने के लिए ये उपदेश हैं। राग से वैराग्य की ओर आने के ये उपदेश हैं। राग में अगर हमें दुख लगने लग जाए, राग से अगर हमें क्लेश होने लग जाए, राग द्वेष के परिणामों से अगर हमारी आत्मा व्यथित होने लग जाए, तो वैराग्य की शरण में आकर के शांति लो। इसलिए ये वैराग्य की गाथाएं हैं। आपके अंदर अगर ये वैराग्य के भाव किसी भी क्षण उत्पन्न होंगे तो आपके परिणामों को शीतलता मिलेगी, शांति अवश्य मिलेगी। बस धर्म का काम क्या है, शांति प्रदान करना। उपदेशों का काम क्या है, मन की शांति महसूस होना। और यही शांति महसूस करने के लिए आप यहां आते हो। ये बात अलग है कि आप बाद में आते हो, हम पहले आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शायद आप इंतजार करते हो जब हमारे कानों में आवाज पहुंचने लगेगी तभी हम पहुंचेंगे। तो आपके लिए ऐसा सोचना भी उचित है या अनुचित, ये आपके विवेक पर डिपेंड करेगा। लेकिन सही बात तो वह है कि हम मंगलाचरण से लेकर के, इस प्रारंभिक मंगलाचरण से लेकर के अंतिम मंगलाचरण तक अगर हम सभा में बैठते हैं तो हमें पूरे स्वाध्याय का, पूरे ज्ञान का पुण्य मिलता है। सुन रहे हो? नहीं तो बस G20 की तरह बस आना, शामिल कर होना होता है, नाश्ता पानी करना होता है और चले जाना होता है, बाय बाय करना होता है। और एक वो होता है कि नहीं भाई, हम धर्म सभा में पहुंच रहे हैं, स्वाध्याय करने पहुंच रहे हैं, देशना सुनने पहुंच रहे हैं, मंगलाचरण के साथ में बैठेंगे और मंगलाचरण करके ही उठेंगे। ये धार्मिक श्रोताओं का, अच्छे श्रोताओं का ये कर्तव्य होता है, ये कार्य होता है। सुन रहे हो कोई नहीं? सो रहे हो कि सो रहे हो कि सुन रहे हो? है? सोता का मतलब श्रोता होता है कि श्रोता का मतलब सोता होता है? तो श्रोता का सबसे पहले कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रारंभिक मंगलाचरण भी हो और अंतिम मंगलाचरण भी हमारे साथ हो। समझ आ रहा है? आपको समझना चाहिए, जो बाहर से अतिथि आते हैं वो पूरा प्रारंभिक मंगलाचरण से अंतिम मंगलाचरण तक बैठते हैं, और आप जिनके लिए मेजबानी, आपके मेजबान जो लोग हैं आपको करनी है, वो तो आप तो दूर से देर से आते हो और अतिथि लोग पहले आकर के बैठ जाते हैं। ये स्वागत की अच्छी परंपरा नहीं है। अगर अतिथि को बुलाना चाहते हो तो उनके स्वागत में पहले खड़े रहना भी सीख लो, नहीं तो बुलाना बंद कर दो। सुन रहे हो कि नहीं? कहते हो कि महाराज बहुत डांटते रहते हैं। अच्छी बात है, डांट डपट सी लगती है क्या? है? अच्छी बात नहीं है? क्या करना है? थोड़ा अपने टाइम को मैनेज करना है ताकि सब कायम टाइम पर हो सके। बोलिए महावीर भगवान की। सृजिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी,
जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यांचक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।